नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। चैनल नंबर 9 पर हम हाजिर हैं लेकर अपना मैथ्स का लाइव इंटरैक्टिव सेशन लेकर, और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। चाहे तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं 8800440559 पर, और चाहे तो क्लास 9th की ईमेल आईडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये दोनों आपके काम आने वाली हैं। अगले 30 मिनट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप पढ़ने जा रहे हैं सर्कल्स के बारे में, एंड दिस इज द पार्ट 3rd ऑफ सर्कल। इट मींस यू हैव ऑलरेडी लर्न पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जाहिर सी बात है कि जब सर्कल की बात होती है तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, और उनके जरिए फिर आप जो है प्रॉब्लम्स इक्वेशंस जो है सॉल्व करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस सेशन विद आवर एक्सपर्ट मिसेस बीना प्रकाश हैज जॉइंड अस। बीना जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आप सीनियर पीजीटी हैं मैथमेटिक्स में, अपनी सेवाएं दे रही हैं कैंपियन स्कूल भोपाल में। तो बीना जी, पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या हम कवर कर चुके हैं, एंड व्हाट इज द यू नो टीचिंग मटेरियल फॉर टुडेस पार्ट 3? फर्स्ट पार्ट में हमने एज फर्स्ट क्लास में सर्कल्स की जो भी एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स मींस सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, सेगमेंट और सेक्टर, ये सारी डेफिनेशंस को हमने कवर किया था। सेकेंड क्लास में, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था कि ये एलिमेंट्स के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो स्टार्ट विथ ये वाला किया था हमने कि पहले, सबसे पहला पॉइंट, आई हैव रिटन जस्ट द पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, दैट इज फर्स्ट इज देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल दैट इज पासिंग थ्रू थ्री पॉइंट्स। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज ये पॉइंट है अपने पास ए बी सी, ये थ्री पॉइंट्स है, ये थ्री पॉइंट से पास होते हुए एक ही अपने को सर्कल मिलेगा। दैट इज द थिंग दैट वी हैड। नेक्स्ट वर्स, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर आपके पास दो कॉर्ड्स हैं ए बी, नाउ दीज आर टू कॉर्ड्स ए बी एंड ए सी, दिख रहा है, आई हैव मेड इट पर्पसली, दिस इज दीज टू कॉर्ड्स हैव इक्वल, दिख रहा है ना आपको? यस यस यस, आई कैन सी। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल आल्सो बी इक्वल। अब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के लिए हमने एक चीज याद कर रखी, कैसे क्या ना, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, सेंटर इज अ पॉइंट, इस पॉइंट से हमें इस लाइन कॉर्ड का कर्सर दिख रहा है आपको? बता दीजिएगा ना, दिस इज अ कॉर्ड और ये जो सेंटर है, यहां से आपको इस लाइन सेगमेंट का सेंटर डिस्टेंस देखना है। इसके लिए हमें क्या करना है, वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ओ ऑन टू द लाइन सेगमेंट। तो ये जो है, दिस इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड फ्रॉम ओ, ओ से ए बी की तरफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। वैसे ही ओ से ए सी की तरफ अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। सो लेट मी नेम दीज पॉइंट्स पी और ये पॉइंट क्यू है। सो व्हाट इट सेज इज इक्वल कॉर्ड्स, दैट इज हमारे पास इंफॉर्मेशन है ए बी एंड ए सी आर इक्वल। व्हाट डज दे इम्प्लाई, व्हाट डू दे गेट गिव अस, दिस सेज दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल ऑल्सो बी इक्वल। ठीक है, okay. अब इसका कन्वर्स, इसका कन्वर्स है दूसरा, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर मतलब PO इक्वल टू OP दिया है, पीछे चले जाइए, पीछे जा रहा है, दिस इज द कॉर्ड्स लेंथ विल आल्सो बी इक्वल। ठीक है, सो ये पढ़ा था। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ा था वो था कि टू इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग ऑन द सर्कल इज इक्वली इंक्लाइन टू द डायमीटर, दैट इज अब ये देखिए ए बी एंड ए सी दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए, ए बी एंड ए सी ये जो कॉर्ड्स हैं, दीज आर कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए ऑन द सर्कल। सो इसका इंक्लिनेशन विद द डायमीटर, डायमीटर इज अ लाइन विच कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जो डायमीटर है, ये जो एक्सटेंड किया यहाँ तक, दिस इज द डायमीटर, इट इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड मतलब इफ यू टेक द पॉइंट पी ए बी इन दिस पॉइंट, दिस एंगल, ये जो एंगल है, दिस एंगल, the measure of this angle and the measure of this angle will be equally, हमने last किया था, इसका converse भी किया, that is if the chords are equally inclined to the diameter then the length of the chords will be same, ये भी किया था। और उसके बाद एक और बहुत important चीज ये किया था कि there are three points that we need to know, एक है center, दूसरा perpendicular and third is bisect, ये three points को connect करते हुए एक theorem दिखता है हमें, that is if a line segment, एक line segment है which is from the center perpendicular to the chord,
एक लाइन सेगमेंट अगर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड है फ्रॉम द सेंटर, इट विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड. तो सेंटर है, परपेंडिकुलर है, तो इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड. दैट इज ये लेंथ जो है AQ, जो लेंथ रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू QC. ठीक है. और दूसरा चीज है सेंटर एंड बाइसेक्ट, दैट मींस अ लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू और जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द कॉर्ड. सेंटर ऑफ द कॉर्ड, बाइसेक्ट मतलब सेंटर ऑफ द कॉर्ड और सेंटर ऑफ द सर्कल, दैट इज O. इन दोनों को जॉइन करता हुआ जो लाइन बनता है, इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. ये जो परपेंडिकुलर पॉइंट आएगा वो आ जाएगा, दैट इज O और Q को जॉइन करते हुए जो लाइन है, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड. थर्ड वन इज परपेंडिकुलर है और बाइसेक्ट भी करता है, दैट इज ए लाइन इज देयर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू AC. तो ये OQ दिख रहा है, इट्स अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू AC एज वेल एज इट इज सीइंग दैट इट इज सी देयर बाइसेक्टिंग, सो हेंस दैट लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर. तो ये चीजें हमें याद रखना पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन करने के पहले, क्योंकि वी विल बी यूजिंग ओनली दीज पॉइंट्स. तो इसको यूज करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं. टू स्टार्ट विथ आई विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज 10.4. 10.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो ये है, देर आर टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. ये दो सर्कल है, दिख रहे हैं आपको ये दो सर्कल्स दिख रहे हैं आपको जी. एक का सेंटर C1 है, दूसरे का सेंटर C2 है. तो इसका रेडियस इज 5 एंड इसका रेडियस इज 3 सेंटीमीटर. ठीक है, दे इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स. दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे, दो सर्कल्स दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दे आर इंटरसेक्टिंग सर्कल्स. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज C1 और C2 का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AB. ठीक है, तो दैट इज नाउ. अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हमें निकालना है लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड AB. okay. और हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, C1 C2 का लेंथ मालूम है हमें, AC2 का लेंथ मालूम है, AC1 का लेंथ मालूम है. इन सबको यूज करते हुए हमें कैसे निकालना है, तो अभी जस्ट ना मैंने कहा था ना, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर अगर आप बाइसेक्ट करते हुए लेके जाएंगे इस कॉर्ड को, AB कॉर्ड बना ना दोनों सर्कल का, दोनों का एक ही कॉमन कॉर्ड हुआ, तो AB को बाइसेक्ट करते हुए ज्वाइन करेंगे, दैट इज C1 एंड C2, दे आर टू सेंटर्स, तो डेफिनेटली C1 एंड C2 विल बी बाइसेक्टिंग जो है AB को बाइसेक्ट करेगा. दिस लेंथ AO विल बी इक्वल टू OB. तो व्हाट यू फाइंड इज द C1O विल बी परपेंडिकुलर टू AB. सो ये एंगल 90 डिग्री हुआ है ना, ये 90 डिग्री हुआ. सो नाउ वी कैन यूज अ रिजल्ट, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा है हमने छोटे क्लास में, फॉर एनी राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, देखो स्क्वायर AC1 स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज द साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री. स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सम ऑफ एडिशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स. व्हाट आर द अदर टू साइड्स, AO एंड OC1, इन दोनों को स्क्वायर किया. So I get AC1 square is equal to this, and also we have, that is ye wala dusra, ye C2 hai point. So this is C2, this is OC2 plus AO square. So ab iske numeric values dal dete, AC1 hai jo radius of the first circle hai, to uska radius hai 5 unit, to 5 square ho jayega. OC1 jo hai, C1 C2 pura 4 hai. तो वी डू नॉट नो द लेंथ ऑफ C1O. तो हम मान लेते हैं कि OC2 x है, जहां मैंने लिया था कि यहाँ पे OC2 का वैल्यू x लिया है, तो OC1 क्या हो जाएगा, 4 - x. तो हमारे पास ये लेंथ 4 - x हो जाएगा प्लस AO स्क्वायर. नाउ अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस है, इन दो इक्वेशंस के हेल्प से हमें x का वैल्यू निकालना है, AO का, दीज आर द टू अननोन्स दैट यू फाइंड इन इट. तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें जो जरूरत नहीं है वो हटा देते. फिलहाल हमें क्या करना है कि आई एम ट्राइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स. अब एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया है, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया और सब्ट्रैक्ट किया, जो भी बोलिए. तो व्हाट डू वी हैव, 5² - 3² ऑन वन साइड, ये देखिए, एंड राइट हैंड साइड में क्या है कि AO स्क्वायर एंड AO स्क्वायर दे गेट कैंसिल, तो यू गेट 4 - x² - x². इसका सिंप्लीफिकेशन करके लेकर आई हूं मैं, 5² - 3² - 5, 4, 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट 16, ये कैंसिल होके यू आर गेटिंग x इक्वल टू
0, x is equal to 0, this is a very important point. अभी आप ध्यान से देखिए, आपको एक लेंथ 0 मिल रहा है, ये लेंथ जो है 0 है, क्या खबर, what information do we have from this quantity, x equal to 0, that is ये जो quantity है, length, ये जो length है, इसका length 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो what is that information that we get from here, C2 coincides with O, that is C2's O, दोनों के बीच का distance 0 है, तो that is, ये दोनों अलग points नहीं है, वो एक ही point है, okay. तो देखिए यहाँ पे जो O था वो O जो है वो C2 भी है and O भी है, this is point, same point actually, same point है, okay. तो अब आप ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है आपको, AOC1 अपने में ही एक राइट एंगल ट्राइंगल है, AOC1 यहाँ पे देखा है ना हमने, AOC1 तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OA जो है, OA का जो लेंथ AC1 से था, AC2 से था, ये सॉरी AC2 से था, A now AC2 and AO they are the same thing, so what is the length of AO, it will come out to be 3 units, okay, here what, ये length 3 units हो जाएगा, so अपने then what is the length of AB, AB will be 6 units, because ये AC1 O जो है perpendicular है AB के, as well as C1 O is perpendicular to AB, as well as it is from the center, C1 is from the center, so line from the center perpendicular to the chord will bisect, so the right. AO ka length OB ka length ke barabar ho jayega, hence the length of AB will be 6. Okay. Achha, to ye question jo hai, humne itna calculation karke hamare paas ye result aaya. Agar abhi bachche, main hamesha bachchon ko ye bolti hu ki aap log question read karo thoroughly, to aapko kuch na kuch hint aapko question mein milega. Us question ke hint se aap आगे बढ़िए, तो आपका काम जो है आसान हो जाएगा, आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. जरा ध्यान से देखिए आपको क्या दिखा है कि 2 circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter, 2 circles के रेडियस है 5 centimeter, तो हमारे पास एक लेंथ है 5 centimeter का, ठीक है, दिस लेंथ इज ऑफ 5 centimeter, दिस इज 5 centimeter, और दूसरा जो लेंथ है वो 3 centimeter है, 3 सेंटीमीटर है, okay. 3 सेंटीमीटर है, और एक और चीज दिया है हमें, ये दोनों को जॉइन, दिस इज C1 ऑफ वन सर्कल, C2 सेंटर ऑफ द अदर सर्कल, इन दोनों को जॉइन करते हुए भी जो लाइन सेगमेंट है इसका भी वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया है इन्होंने, क्या दिया है इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 4 है, तो हमारे पास ये जो बना है, व्हाट इज दिस फॉर्म्ड, AC1, C2 एक ट्राइंगल बनता है, दिस इज अ ट्राइंगल विथ साइड्स 3, 4 and 5, दे आर द साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल, सो हमें एक चीज रिजल्ट याद होना चाहिए कि 3, 4, 5 अगर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल है, सो दे फॉर्म अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बिकॉज आप 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यू गेट 5 का स्क्वायर, they form a Pythagorean triplet, right, ये relation right. इन 3 numbers से मिलता है, इसलिए immediately हमें ये strike करना चाहिए, this implies हमारा जो AC2 है is perpendicular to C1 C2, that is ये जो angle इन दोनों के बीच का angle जो है वो 90 degree होगा, समझ में आया, दिस एंगल विल बी 90 degree, तो 90 degree अगर वो एंगल होगा तो ये इस तरह से दिखेगा ना आपको, ये देखिए इस तरह से दिखेगा, दिस इज 90 degree, एंड 5 जो है वो हाइपोटेन्यूज हो जाता है, सो हमें ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ये इंफॉर्मेशन से हम बता सकते हैं कि द लेंथ ऑफ AO इज 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ AO इज 3 सेंटीमीटर, हेंस लेंथ ऑफ AB विल बी 6 सेंटीमीटर, तो ये विदाउट कैलकुलेशन, ये कभी कभी हमें ये यूज करना चाहिए, दिस से हमारा मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है, और क्रॉस चेक भी होती है, You have, इसलिए हमें थियोरम्स पढ़ाया जाता है right. कि ताकि हम उसको यूज करके अपना काम आसान करें right. देखिए आपको कैलकुलेशन, इतना बड़ा कैलकुलेशन जब मैंने दिखाया आपको इतना और कैलकुलेशन से आया क्या, x इक्वल टू 0, अब कभी भी हमें ऐसा वैल्यूज आता है x इक्वल टू 0, पहले तो हम घबरा जाते हैं क्योंकि लेंथ 0 क्या मतलब है इसका, ये हम समझ नहीं पाते right. फिर उसको हमें समझना पड़ेगा, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, और
ये सब क्वेश्चंस ज्यादा वेटेज के नहीं होते, टू या थ्री मार्क्स मतलब 3 to 4 minutes का टाइम में हमें आंसर करना है। तो हम यही में सोच के बैठ जाएंगे कि ये एक्स इक्वल टू जीरो ओसी का मीनिंग क्या है, हम आगे जा नहीं पाएंगे। इसलिए थोड़ा अलर्ट रह के हम करेंगे तो हमें वो प्रीवियस हमने जो जो पढ़ा है यूज करेंगे तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। इज इट क्लियर? राइट। तो आपके पास अगर कभी भी एक ट्राइंगल सर्कल है विद रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है, लेंथ ए सी 5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ए एंड बी आर द सेंटर्स ऑफ दीस टू सर्कल अगर 4 है तो थर्ड साइड विल ऑलवेज, दैट इज ये जो थर्ड साइड दैट इज 3 जो दिया है, दिस विल ऑलवेज फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस लेंथ ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, इसका डबल, दैट इज 6। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है क्या राहुल जी? आपको लग रहा है बच्चों को क्लियर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? जी बिल्कुल, थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन आपने जो दूसरा मुझे लगता है एग्जांपल दिया उसकी वजह से चीजें क्लियर हुई हैं, क्योंकि पहली बार मैं भी वही सोच रहा था कि x is equal to 0 है तो ये कैसे होगा, मैं भी वही सोच रहा था। ये चीज है वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें दोनों तरीके से समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन करने के बाद भी आना चाहिए, बट कैलकुलेशन करने में ऐसे कभी कोई वैल्यूज आते हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो हमें समझना है, ठीक है, That is more important. अभी क्या analysis करना आना चाहिए बच्चों को 9th class में, क्या हम उस level में आने चाहिए कि understand रट के नहीं करना है, हमें कुछ समझ के आगे लेके जाना है। So we move on to the next question. देखिए, if two chords of a circle intersect within the circle, ये दो chords दिख रहे हैं आपको, A and B and C and D chords दिख रहे हैं, कर्सर दिख रहे हैं आपको? जी। So chords of a circle they intersect inside the circle. ये दोनों intersect कर रहा है at point P. तो आपको ये प्रूव करना है कि द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कॉर्ड। सेगमेंट्स यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेगमेंट्स किसकी बात कर रहे हैं, एक लाइन दिया है, दिस इज अ कॉर्ड, टू इक्वल कॉर्ड, एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है ए बी, सेगमेंट किसको बोलते हैं? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें कई चीजें याद दिलाता है। दिस इज पी पॉइंट, एक पॉइंट पी जो है ये लाइन को दो लाइन में ब्रेक करता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, दैट इज ए पी इज वन लाइन सेगमेंट, पी भी दूसरा लाइन सेगमेंट है। सो ये जो कॉर्ड ए बी है इसके दो पार्ट्स कौन कौन से, दो पार्ट जो है ए पी हुआ है और दूसरा पार्ट है पी बी, सो दीज आर टू पार्ट्स ऑफ दिस कॉर्ड ए बी। वैसे ही आपके पास सी डी के भी दो पार्ट दिख रहे हैं, जैसे सी पी और सी पी सी, ये दो सेगमेंट्स, तो इनका कहना है कि वन लेंथ ऑफ वन पार्ट वन सेगमेंट ए पी जो लेंथ है वो उसके करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट दैट इज ए। आपको एक चीज दिख रहा है क्या कि ए पी लेंथ जो है पी बी लेंथ से थोड़ा छोटा दिख रहा है? यस, ए पी और पी बी का लेंथ अगर कंपेयर करेंगे तो यू फाइंड दैट ए पी लेंथ इज लिटिल स्मॉलर दैन दैट ऑफ पी बी। लाइक वाइज पी डी का लेंथ जो है थोड़ा सा बड़ा है सी पी से। इसका इनका कहना है ये करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का मतलब बड़ा बड़ा के बराबर होगा और उसका दूसरे कॉर्ड का छोटा छोटे पार्ट ऑफ द अदर कॉर्ड ये रहेगा। तो आपको ये प्रूव करना है कि एपी एंड पीडी आर इक्वल, सीपी एंड पीबी आर इक्वल। अब इसके लिए भी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आप देखिए मैंने क्या किया है, आई हैव ड्रॉन परपेंडिकुलर्स फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड्स, तो दैट इज यहाँ सेंटर से मैंने कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, सेंटर से कॉर्ड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसका पर्पस क्या है, इस सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसका मतलब ए बी जो है दो इक्वल पार्ट में हो गया, एक ए एल हो गया और एक एल बी, ये लेंथ एल दिख रहा है आपको, ये पॉइंट एल एंड दिस इज एन, तो एल बी इज इक्वल टू ए एल, लाइन फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, सो लाइन फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये जो दोनों लेंथ है दे विल बी इक्वल, ठीक है। अब नाउ लेट मी सी दिस ट्रायंगल, हमें तो लेकर आना ए पी, ए पी के लिए क्या चाहिए, ए एल के साथ एल पी का लेंथ चाहिए, डी एम के साथ एम पी का लेंथ, तो हमें लेकर आना है एल पी और एम पी और उसको ऐड करना है, ये हमें समझ में आ गया। तो हाउ डू वी टेक अप, पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि एल पी और एम पी दोनों इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ है, तो दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल ओ एल पी एंड ओ एम पी। हमें इक्वालिटी कैसे प्रूव होता है ट्रायंगल्स में, तो याद करके देखिए ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रेंस किया था, वही चीज हमें यहाँ पे यूज करना है। सो वी कंसिडर दिस ट्रायंगल OLP एंड OMP, इसमें OL एंड OM दे आर इक्वल इन लेंथ बिकॉज इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। OP एंड OP आर इक्वल, दैट्स कॉमन, और एक एंगल का मेजर 90 डिग्री है,
therefore the triangles are congruent by R HS, right hand theta 90 degree है, एक side है, और this is hypotenuse, that is equal, so therefore they are congruent by R HS. इससे क्या मिलेगा अपने को, LP, that is the third side will be LP and MP, they are equal, LP and MP are equal. अब हम यूज कर रहे हैं ये रिलेशन, दैट इज ए बी इक्वल टू सी डी, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो गए, इससे हाफ ऑफ द, दैट इज हाफ, इसका हाफ और इसका हाफ भी इक्वल होगा, इसका हाफ क्या होगा, ए एल, ए एल इज अ हाफ ऑफ ए बी, ए एल और डी एम इक्वल हो जाएगा. तो मैं ये तीन रिजल्ट है मेरे पास, इन तीनों को यूज करके हम अपना आंसर निकालेंगे. तो ए एल के साथ एल पी अगर एड कर देंगे, ए एल के साथ इफ यू एड एल पी यू गेट द लेंथ ए पी, सेम वे डीएम के साथ MP ऐड करेंगे तो यू गेट द लेंथ DP. तो मैंने इन दोनों को ऐड किया है तो यू गेट AP इक्वल टू PB. लाइकवाइज दिस इज ऑब्लिक, लाइक दिस दोनों मैंने साथ लिखा है. वैसे ही अगर आपने थर्ड माइनस टू वन किया है, ये थर्ड रिलेशन है, ये फर्स्ट रिलेशन है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखा है, तो आई एम टेकिंग BL. BL मीन्स ये लेंथ है अपना, BL में से हमने LP निकाल दिया, वी हैव रिमूव्ड, सो व्हाट इज लेफ्ट इज Only this part, ये छोटा सा पार्ट बचेगा अपना, देखिए, yes, likewise, M, इससे, MC, MC से CP हटा, MP हटा दिया, तो you get this length, तो देखिए, आपको ये दोनों length equal हो गया, PB is equal to CP, okay, P is equal to CP, so this was the second question, ठीक है, okay, तो देखिए आपने वही use किया जो हमने पॉइंट्स नोट किए थे. जी. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ये देखिए. इसमें क्या है कि थ्री गर्ल्स रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क. ठीक है. रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा. And we have to find the distance between Salma, Reshma and Mandeep. Reshma, Salma, Salma and Mandeep, they are at a distance of 6 centimeters. Fine? Ab thoda sa isme ek, that is what I'm saying. Thoda sa technically, agar thoda samajh jayenge, to humara kaam aasan ho jayega. Isliye maine ye question ko aise hi rakha tha. Now, likhiye. Dikh raha hai circle, dikh raha hai aapko? Ji. Ab, ye circle mein, hume ye bataya gaya, कि सलमा और रेशमा जो है दे आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड रेशमा इज 6 सेंटीमीटर. लाइकवाइज डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज ऑल्सो 6. ठीक है, तो मैंने ऐसे बना दिया. कैन यू सी दिस, इट्स क्लियर? यस. तो नाउ लेट मी मार्क दिस पॉइंट. दिस इज एस, this is Reshma का R and this is Mandeep का M. ठीक है, ये length 6 centimeter है. Now what is the radius of the circle? Radius of the circle 5 centimeter. 5 meter, sorry. The radius of the circle is 5 meter. Okay. ठीक है, तो ये जो है radius है, this is 5 meters. ये center मान लेते हैं, ये 5 meters. ओके. हाँ, अब आप देखिए, आपके पास ये, अब आपको डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में, रेशमा एंड मनदीप के बीच में, ये लेंथ निकालना है. ठीक है, तो अब अगर आप देखेंगे, अगर फिगर बनाते तो हम ऐसा फिगर बनाते, दिस इज द फिगर दैट वी वुड हैव मेड. ठीक है, तो दिस इज द सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल जो पार्क में बैठे हैं. यहां से this s is the radius of the circle, this is also radius of the circle, distance between r and s, s and m 6 cm. थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे calculation, जैसे पिछला question, एक question मैंने किया था, ये length 5 है, तो we have to get this length, p, m का length चाहिए, तो मैं इसको assume कर रही हूँ, some point, let me have this as x and this as y. So you get some clear result from this, is in फिगर को देख के आपको कुछ दिख रहा है आपको? मैं आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, 5 प्लस एक्स इज वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल और वाई इज द सेकेंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. सो सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विल कम आउट टू बी द स्क्वेयर ऑफ द थर्ड साइड, दैट इज 6 स्क्वेयर.
वैसे ही आपके पास एक और ट्राइंगल है विद CPM, तो x square plus y square is equal to 5 square. ये रिजल्ट है अपने पास. अब देखिए, अब आप, हमने कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ कैलकुलेट, मेरे को इतना इंफॉर्मेशन मालूम है और उसके अनुसार मैंने डायग्राम बना दिया और डायग्राम बना के मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ. तो सॉल्व करने पे ये दिख रहा है कि ये दो इक्वेशंस बन रहे हैं जिसमें दो अननोन है, x एंड y, दो दो चीजें दोनों नहीं मालूम है. हाँ, y को निकालना भी है, मैं y की बात भी करना है क्योंकि y से हमें आरंभ मिलेगा, बट ना x मालूम है ना y मालूम है, ये लेंथ भी हमें नहीं मालूम है. तो अगर हमने इसको सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया, जैसे आपको आप रिमूव करिए y स्क्वायर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू गेट 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, राइट साइड में मिलेगा आपको 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. अब इसको भी आप ध्यान से देखिए, this is coming out to be 25 plus 10x. बीना जी, समय x square, बीना जी समय की अपनी सीमाएं हैं और सिर्फ एक मिनट समय है इसके लिए. बस 6 minus, a minus b, a plus b, तो आपको 6 minus 5 हो जाएगा और 6 plus 5 that is 11 हो जाएगा. तो इससे आपका x square gets cancelled. अभी ध्यान से देखिए, ये 10x is equal to, यहाँ बचेगा सिर्फ 11 क्योंकि 6 minus 5 तो 1 हो जाएगा. 11 minus this will come out to be minus 14. अब आप बताइए, x length, length x क्या था? एक side of a triangle. ये side of a triangle. अब ये triangle का side जो है negative आया है. तो ये सोच के हम सोच में रह जाएंगे, ये क्या answer लेकर आ गए हमने? x negative कैसा हो सकता है? जी. तो हमारा थोड़ा सा, इसलिए बोले बच्चों को सोच के थोड़ा सा करिए. तो ये actually fact क्या है कि ये जो point है, आपका radius 5 है और distance between एक कॉर्ड है, दिस SM इज अ कॉर्ड, इसका लेंथ 6 है, रेडियस 5 है. इसका मीनिंग ये है कि ये जो दिस रेशमा एंड ये दोनों है, मनदीप जो है वो सेंटर के दूसरी साइड नहीं है, उसी साइड में जहां पे सलमा है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज. तो आपके पास ये लेंथ ऑपोजिट साइड में हो गया, इट्स ऑपोजिट साइड. सो नाउ हाउ विल यू गेट दिस लेंथ x? आप इसको जरा ध्यान से देखिए, मैंने उसको निकाला टू द ट्रायंगल एरिया. बीना जी, कंक्लूड करना होगा आपको प्लीज. बस बस बस, हो गया सर, हो गया सर. RSC एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का मैंने एरिया दो तरीके से निकाला, वन इज हीरोस फार्मूला एंड दूसरा इज हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो आपके पास ये वैल्यूज है, S इज द सेमी पेरीमीटर, सारे वैल्यूज देख लीजिए, उससे आपको मिल रहा है x का लेंथ 4.8. देखिए आप कितने आसानी से निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मंडे ट्वाइस ऑफ दिस हो जाएगा, विच विल कम आउट टू बी 9 points. राइट, ये अगर आप सोच के करते तो आपके पास ये वाला, ये करने के बाद टाइम, इसके लिए हमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं था, हम डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते. नहीं, लेकिन ये जो, जो सवाल आज हमने किए हैं सॉल्व, मुझे लग रहा है उनमें थोड़ी सी क्रिटिकल एबिलिटी की जरूरत थी, जो क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत थी. क्रिटिकल एबिलिटी हमें डेवलप करना डेवलप होगा जी. क्लास नाइन्थ के बच्चों को यहाँ से आगे प्रोसीड करना है, तो ये इसलिए शायद आपका चुनाव सही था. कम किया लेकिन ज्यादा किया और अच्छा किया. आप हमारे साथ जुड़े, आपने मैथमेटिक्स का सेशन लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका. थैंक यू. हमारा ये मैथमेटिक्स का सेशन हम यहीं समाप्त करेंगे, कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में लौटते हैं सोशल साइंस का अगला सेशन लेकर. देखते रहिए PME विद्या चैनल्स. नमस्कार.